जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम आपका सेकंड चैप्टर आंकड़ों का प्रक्रमण यानी डाटा प्रोसेसिंग है उसको अच्छे से समझेंगे जानेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, प्रकीर्णन के माप और संबंध के माप को अच्छे से जानेंगे। एक मैंने शब्द बोला अभी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, आपको याद आ रहा है आपने ये कब पढ़े थे? हो सकता है आपके दिमाग में आ भी गया होगा, ये पढ़े आपने दसवीं क्लास की गणित की किताब के अंदर, माध्य, माध्यिका और बहुलक, याद आ रहे हैं ना? अब कई तो गणित का नाम लेते ही शक पका जाएंगे, उनको लगेगा सर गणित से तो पिंड छुड़ाकर ही तो आर्ट्स लिया था और आज फिर हम गणित की बात कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा भी अब हम गणित नहीं पढ़ेंगे। आपको गणित से अगर डर लगता है तो उस डर को भूल जाइएगा, हम ऐसी कोई डरावनी बात नहीं करेंगे जिससे आपको कोई डर लगे, क्योंकि हम तो भूगोल पढ़ रहे हैं, हम तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर से आपका 3 नंबर का एक जो सवाल का जो प्रश्न है वो आएगा और ज्योग्राफी वाला सवाल आएगा। आप गणित शब्द को ही दिमाग में नहीं लाना है आपको, तो स्टार्ट करते हैं भूगोल के गणितीय माप को, ऐसे समझिएगा आप इसमें। और एक चीज और कहूंगा आपको, आपको है ना इजीली आज की क्लास को समझना है, ज्यादा आपको इस पर कोई फोकस नहीं करना है। और अगर आप मेरे साथ अभ्यास करना चाहें तो मैं कहूंगा आप अपनी रफ कॉपी और एक पेन है वो निकाल लीजिएगा। ये काम इस यूनिट को करवाने की जिम्मेदारी अब मेरी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जितना बता रहा हूं उसको सुनना है सिर्फ। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर आज हम एक बिंदु लेते हैं और उसका नाम है माध्य। आप माध्य कहें, आप समांतर माध्य कहें, आप औसत कहें, आपका जो मन करे वो कह लीजिएगा। तो स्टार्ट करें भी माध्य, ये रहा माध्य लिखा है मैंने। और इसके आगे मैंने दो बात यहां क्लियर कर रहा हूं, एक है अवर्गीकृत आंकड़े और दूसरा है वर्गीकृत आंकड़े। आंकड़े यानी डाटा की बात। अब सबसे पहले तो ये जान ले भी ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, इसका मतलब क्या होता है सिर्फ समझना है। अवर्गीकृत आंकड़े का मतलब होता है भी आपका कोई सवाल लिखा हुआ है और उसमें सिर्फ डिजिट लिखी हुई है, सिर्फ संख्याएं लिखी हुई है और कुछ नहीं। जैसे एक उदाहरण लिखा है मैंने भी 10 छात्रों के भूगोल में प्राप्तांक हैं 25, 15, 20, 40, 30, 20, 15, 20, 30, 25। ये जो आंकड़े लिखे हैं ना इस प्रकार से भी 10 स्टूडेंट के मार्क्स बता दिए। तो इस प्रकार से जब डाटा आपको कोई सवाल है उसके अंदर मिलता है तो यह डाटा कहलाता है अवर्गीकृत। अब आप सोचिए वर्गीकृत आंकड़े का क्या मतलब है। अब देखिए यहां पर भी सेम इसी तरीके का सवाल ले लेते हैं भी कोई भूगोल का टेस्ट हुआ पूरी क्लास का, तो उस भूगोल की क्लास के अंदर उस भूगोल के टेस्ट में बच्चों ने अंक प्राप्त किए, उनको हमने जैसे 5 से 15 अंक ये प्राप्तांक है, 5 से लेकर 15 जो अंक है वो कितने छात्रों ने प्राप्त किए 5 के, 15 से 25 अंक प्राप्त किए 9 बच्चों ने, 25 से 35 अंक प्राप्त किए 15 बच्चों ने, 35 से 45 अंक प्राप्त किए 10 बच्चों ने, 45 से 55 अंक प्राप्त किए 6 बच्चों ने। आई थिंक ये 45 बच्चे हो जाते हैं, 45 बच्चे टोटल हैं और उनके जो अंक आए उनके हमने क्या बना लिए, ग्रुप बना लिए भी 5 से 15। ध्यान रखिए जब हम ग्रुप बना लेते हैं तो उस ग्रुप में आने वाले छात्रों की संख्या भी साथ में लिखी जाती है। तो जो छात्रों की संख्या हम यहां लिखेंगे ना, ये जो छात्र संख्या है इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कहा जाता है और इसको स्मॉल एफ से हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई सवाल आता है, इस प्रकार से ग्रुप बनाकर कोई सवाल लिखा है तो इसका मतलब वो किस प्रकार का आंकड़ा है, वो है वर्गीकृत आंकड़ा।
तो मध्य का अगर सवाल आएगा आपके, तो या तो वो अवर्गीकृत डाटा का होगा या वर्गीकृत डाटा का होगा, और देखते ही आपको पता चल जाएगा। बीस अवर्गीकृत में तो सीधे मान लिखे हैं, जबकि इसके अंदर वर्गीकृत में ग्रुप बने होंगे, वर्ग बने हुए होंगे, और साथ में उनकी संख्या भी बताई जाएगी। हो गई ये बात। अब चाहे अवर्गीकृत आंकड़ों की बात करें, चाहे वर्गीकृत आंकड़ों की, ये तो हमें डाटा मिल गया। अब इन डाटा की सहायता से हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो इस माध्य को निकालने की दो विधियां हैं। एक तो है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि, यानी इनडायरेक्ट मेथड, या जिसको हम कह दें शॉर्टकट मेथड। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से अवर्गीकृत या वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना हम सीख रहे हैं। और आज हम बात करेंगे, सबसे पहले भी एक प्रकार का आंकड़ा ले लेते हैं, आज हम अवर्गीकृत आंकड़े, यानी इस प्रकार के आंकड़े ले ले, और इन आंकड़ों की सहायता से ही दोनों ही प्रकार की विधियों का हम इस्तेमाल करेंगे। परीक्षा में आपसे एक विधि पूछी जा सकती है, या फिर एक ही सवाल के अंदर, जैसे यही सवाल हमने लिखा है और इसमें कह दिया लास्ट में इनका माध्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए, तो उसको हम निकालेंगे। तो अब हम पहली विधि का इस्तेमाल करते हैं, और वो है प्रत्यक्ष विधि। भी इस प्रकार से संख्या मिली हुई हो तो हम उसे डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं। एक तो ये ध्यान रखिएगा, माध्य के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, एक्स लिखना है और इसके ऊपर एक लाइन खींचनी है जिसको बार बोलते हैं, गणितीय रूप में प्रदर्शित करने का है। आप ये नहीं लिखें तो आप माध्य शब्द लिख लें। बराबर फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम। फॉर्मूला जो मैंने वहां लिखा है, सिग्मा एक्स बटा में एन, ये जो शब्द लिखा है मैंने यहां एक सिंबल लगाया है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं, एक ग्रीक शब्द है सिग्मा, और इस शब्द का मतलब होता है योग, जोड़ होता है योग। तो हमने क्या लिखा, सिग्मा एक्स, तो एक्स का योग। अब आपको यह समझ लेना चाहिए भी यहां पर एक्स क्या है। एक्स जो ये मान आपको दिया गया है, आप इसको मान कह दें, आप इसको मूल्य कह दें, आप इसको पद कह दें, तो दिए गए ये जो सभी पद है, इन सभी पदों का योग, या इसको और इजी कर देता हूं, सभी पदों के मूल्यों का योग, चाहे किसी प्रकार का आ जाए, आपको इस प्रकार से, ये गणितीय रूप हो गया, ये इसका शाब्दिक रूप हो गया। तो सिग्मा एक्स अर्थात सभी पदों के मूल्यों का योग। अब सभी पद कौन से हैं, ये जो ऊपर मान दिए गए हैं, कितने स्टूडेंट के हैं, ये 10 स्टूडेंट के हैं, तो इन सब का योग करना है। बटा में कैपिटल एन लिखा हुआ है, बड़ा एन लिखा हुआ है, ये आप स्मॉल लगाएं कैपिटल लगाएं आपकी इच्छा है, कैपिटल एन लिखा हुआ है, इसका मतलब है पदों की संख्या, पदों की संख्या हो गई है। तो पद कितने हैं टोटल, संख्याएं कितनी है, स्टार्टिंग में ही दे रखी है, अभी 10 छात्र हैं, आप काउंट करके देख लेना चाहिए, ये 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिखना चाहें तो प्राप्त अंकों का योग, आप लिखना चाहें प्रश्न के हिसाब से भी लिख सकते हो, या फिर ये एक स्टैंडर्ड तरीका रख लो, तो प्राप्त अंकों का योग बटा में स्टूडेंट्स की संख्या, आपका जैसा मन करे आप वैसा इसके साथ कर सकते हो। तो अब हमें प्रत्यक्ष विधि के अंदर ये एक फॉर्मूला लिखना होगा, इसका नंबर आपका होगा। तो अब आपको क्या करना है, सिग्मा एक्स अर्थात इन सभी को आपको जोड़कर लिख देना है ऊपर, 25 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 और प्लस 25, ये सभी अंक ऊपर लिख दिए।
आप ये स्टेप बनाना चाहें तो बना ले, और या फिर आप रफ काम करके इन सब का जोड़ कर ले, और बटा में एन का मान कितना है, 10 आ गया। अब आपको क्या करना है, इन सब को जोड़ना है। वहां कैलकुलेटर नहीं ले जाने दिया जाएगा, तो आप थोड़ा सा अभ्यास जरूर कर लीजिएगा भाई। तो इन सब का जोड़ करोगे तो जोड़ आ जाएगा मेरे, अब याद ही है ये, 240, और बटा में क्या आ गया, 10। तो 240 के अंदर 10 का भाग देंगे या बिंदी से बिंदी काट दें तो उत्तर क्या आया, 24। तो इसका मतलब इन 10 छात्रों का माध्य कितना है प्रत्यक्ष विधि से, वो है 24। ये आपका उत्तर आ गया, 24 माध्य होगा। माध्य यानी सेंटर का मान। आप देखेंगे अंक कहां से कहां है, छोटे से छोटा मान 15 है और बड़े से बड़ा मान इसमें आप देखेंगे 40। तो 15 से 40 के बीच में अंक है स्टूडेंट के। तो आप देखेंगे उत्तर हमेशा ही आपको मोस्टली मिनिमम और मैक्सिमम के लगभग बीच का, श्योर पक्का बीच का नहीं, लगभग बीच का। तो 15 से 40 के बीच का आपको 24 अंक है वो इसके प्राप्त हुए हैं। तो ये है प्रत्यक्ष विधि। उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आ गया होगा, ये कोई गणित नहीं है, सीधी सादी ज्योग्राफी है। भी प्रत्यक्ष विधि से हमें माध्य निकालना है, और सिंगल डिजिट के अंक आपको दिए गए, यानी अवर्गीकृत डाटा दिए गए हैं, तो उन सभी डाटाओं का योग ऊपर लिखना है, और बटा में वो कितनी संख्याएं हैं, नंबर्स ऑफ जो आइटम है उनका बटा में लिख देना है। तो 10 स्टूडेंट के मार्क्स ऊपर लिख दिए, बटा में 10 स्टूडेंट थे, 10 का भाग दे दिया, तो ऊपर वाले जोड़ लिए, नीचे 10 आ गया और उत्तर क्या आ गया, 24। तो ये एक सीधा तरीका है, चाहे मान छोटे हों बड़े हों, कितना टोटल करो और संख्या का भाग दे दो। इसमें तो कोई गणित हुई नहीं। तो सिग्मा एक्स, तो ये जो आपने किया है ना, ये हर अंक क्या है, 25, 15, 20, ये क्या है, एक्स है। आप कह लो चाहिए ये X1 है, ये X2 है, ये X3, X4, X5, X6, 7, 8, 9 और X10 हो गए। तो X1 से X10 के मान हमने जोड़ लिए, कितने को जोड़े, 10 के, तो 10 का भाग दे दिया। और यहां जो टोटल जो मान है उसके लिए क्या शब्द यूज किया है, कैपिटल N। तो किसी भी अवर्गीकृत आंकड़े का प्रत्यक्ष विधि से माध्य है वो इस प्रकार से निकाला जाता है। समझ गए आप? अब बात करें दूसरा मेथड, अच्छे से समझ लें। अब है दूसरा मेथड और वो है अपना अप्रत्यक्ष विधि। इस विधि के अंदर क्या करना है, पहले तो ये समझना है आपको। अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि के अंदर क्या है, आपको पहले ही मान लेना है, पहले ही भी ये यही सवाल है, और इससे हम अप्रत्यक्ष विधि से हम माध्य निकालेंगे और पता करेंगे वो कितना आता है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, इसमें आपको अपनी तरफ से एक उत्तर मान लेना है, इमेजिनेशन करनी है, कल्पना करनी है भी इस प्रश्न का उत्तर ये है। कल्पना करते हो तो इसलिए उसको हम कहेंगे कल्पित माध्य। आपको कल्पना करवाई जाएगी इसमें और बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बड़ा इजी है, और उस काल्पनिक के लिए हम शब्द यूज करते हैं कैपिटल ए। ये हम अपनी तरफ से लेंगे। फिर आपको क्या करना है, ये जो कल्पित माध्य आपने माना है ये आपको उस प्रत्येक राशि में से घटा देना है। प्रत्येक राशि को हमने क्या कहा, एक्स, और इसमें से आपको क्या घटा देना है, ए को घटा देना है। फिर आपके पास जो मान प्राप्त हो जाएगा उसको हम कहेंगे स्मॉल डी, स्मॉल डी से प्रदर्शित कर देंगे। इस प्रकार हर संख्या का एक डी, यानी D1, D2, D3 प्राप्त हो जाएगा। फिर उन सभी डी को जोड़ना है तो उसके लिए क्या लिख देंगे हम, सिग्मा डी लिख देंगे। समझ गए? कल्पना करनी है, इमेजिनेशन करनी है और कोई एक माध्य मानना है। अब आप ये सोचेंगे भी सर कल्पना कैसे करें, तो कल्पना के लिए आप, वैसे तो आपकी मर्जी है कोई भी मान ले, लेकिन जनरली अगर आपको करना है तो आप ये देख लें इसमें छोटा मान कौन सा है और बड़ा मान कौन सा है। तो सबसे छोटा 15 और बड़े से बड़ा 40 है, तो 15 और 40 के बीच में कोई भी संख्या आप मान लीजिए,
जरूरी नहीं आप 15 माने, आप 10 भी मान सकते हैं, आप 40 से बड़ी भी मान सकते हैं, लेकिन फिर आप कैलकुलेशन में उलझ जाओगे और उलझना नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वाली के बीच की कोई भी जो संख्या मान ले, तो 15 है, 15 के बाद 20 है, 20 के बाद 25 और 25 के बाद 30 है। अंकों की बात करें तो 15 अंक है, 20 है, 25 है, 30 है और 40 है। अब आपका जैसा मन करे वो मान लो, 20 मान लो, 25 मान लो, 30 मान लो। तो बीच की ये संख्या, इनमें से आप कोई भी मान ले, 20, 25, 30। अब चलिए हम मान लेते हैं अपना कल्पित माध्य है वो 20 मान लिया, 25 मान ले, 30 मान ले, आप अपना मान मानकर करके भी देख लेना और उत्तर की जांच भी हो जाएगी। देखिए कल्पित माध्य हमने इस सवाल के लिए अप्रत्यक्ष विधि के लिए 20 मान लिया, अभी ठीक है हमारा उत्तर 20 आएगा। अब हम इसको करना है, इसकी 20 की सहायता लेकर इसका वास्तविक मान है, वास्तविक जो माध्य है उसको निकालना है। तो इसके लिए मैं पहले ये सारी डिजिट लिख लेता हूं यहां पर, 25, 15, 20, 40, 30, 20, 15, थोड़ा आगे लिख लेता हूं, 15 के बाद 20 और फिर 30 और फिर 25। लीजिए ये 10 के 10 हमने मान लिख लिए जो हमें दिए हुए। अब हमें क्या करना है, इन सभी में से मैंने कहा था ना भी x में से जो संख्या है उसमें से एक घटाते चले, उत्तर चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, तो उस हिसाब से करना है। 25 माइनस 20 घटाते चले साथ, 25 में से 20 गए तो कितने आ गए 5, 15 में से 20 गए तो कितना आया माइनस 5। ध्यान दीजिए क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बस चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ये तो कोई गणित भी नहीं है कोई बड़ी। 20 माइनस 20 इसका उत्तर कितना आया 0, 40 माइनस 20 इसका उत्तर कितना आ जाएगा 20, 30 माइनस 20 बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो प्लस में है और प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं, तो ये आ गया आपका 10। फिर 20 में से 20 आ गया तो उत्तर आ गया 0, 15 में से 20 आ गया तो उत्तर आ गया माइनस 5 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, अब भी फिर आ गया 20 में से 20, कईयों का तो ठीक ही हो गया, सब 0-0 होता जा रहा है, और 30 माइनस 20 इसका उत्तर भी कितना आ गया 10, और 25 माइनस 20 इसका उत्तर भी कितना आ गया 5 प्लस में, ठीक है। अब प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, माइनस वाले एक साथ जोड़ लीजिए। आप तो जब टेबल बनाओगे तो आपकी कॉपी के अंदर पूरी एक ही बन जाएगी, आपको इस प्रकार से ही ये क्या किया है, इसके ऊपर आपने आप ये लिख देंगे यहां पर x माइनस ए, और ये जो मान आया है ये क्या लिखोगे इसके ऊपर आप d लिख दीजिएगा। मैं ये पहले नहीं लिखा, अब लिख देता हूं, x माइनस ए किया है, और यहां पर आपका जो मान आता आप लिखना चाहें तो वापिस 25 15 20 ये लिखकर फिर x में से a गया और जो मान प्राप्त हुआ वो सारा का सारा क्या रह गया d। अब जोड़ लो माइनस वाले कितने हैं, पहले कम है तो वो जोड़ लो, माइनस 5 और माइनस 5 यानी ये हो गया माइनस 10। अब सारे प्लस प्लस वाले जोड़ लो, कितने हो गए 5 20 और 5 25 और 10 35, 35 और 10 45, 45 और 5 50, तो 50 प्लस के हो गए और 10 माइनस के हो गए, इन दोनों का योग कितना आ गया भाई, इन दोनों 50 में से 10 गए तो 40। अब मुझे ये बताइए ये 40 क्या आया, ये किसका योग है, ये इस स्मॉल डी का योग है, और स्मॉल डी का योग है तो डी के साथ हम क्या लगा दें सिग्मा लगा दें, तो आपके पास क्या आ गया सिग्मा डी बराबर 40 आ गया, सिग्मा डी बराबर 40 आ गया। अब आपको अप्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर मान रख देना है, और अप्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला देखिए, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी बटा एन, ये फॉर्मूला है।
जो आपने कल्पना की उसको लिख ले पहले। तो a का मान कितना है 20, सिग्मा d कितना आया आपका प्लस माइनस करने के बाद में 40, और n यानी पदों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, ये 10 हो गई। तो क्या बना, 20 को 20 ही पढ़ा रहने दें, प्लस 40 में 10 का भाग दे दें या बिंदी से बिंदी काट दें, उत्तर क्या आया 4, और 20 और 4 का योग कितना है 24। 24 गौर कीजिएगा, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालें चाहे अप्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालें, दोनों का उत्तर क्या आएगा, सेम आएगा। अब मैंने यहां 20 मानकर किया है, आप 15 मानकर कर लो, 25 मानकर कर लो, 30 मानकर कर लो, आपका उत्तर 24 ही आएगा। आप किसी भी तरीके से निकाल कर देख ले, बस कल्पना करनी है न्यूनतम और अधिकतम के बीच की कोई भी संख्या लेकर। एग्जैक्ट नहीं लेते तो अभी तो क्या इजीली घटाना आसान है, इस प्रकार से आंकड़ा ले लें ताकि घटने के बाद हमें ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं उलझना पड़े। और ये ज्यादातर अप्रत्यक्ष विधि कब इस्तेमाल होती है, जब आंकड़े थोड़े मोटे मोटे होते हैं, 918, 820, 440, तो उनको जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं कल्पित माध्य मानकर कर लेते हैं। लेकिन आपके भूगोल में तो जो सवाल पूछते हैं तो ये बेचारे सोखे सोखे वाले होते हैं, इनका अप्रत्यक्ष भी पूछ लेते हैं। ये इसलिए भी ताकि बच्चे को इस चीज की समझ है या नहीं है, उस बात को जांचने के लिए इसको हल है वो करवाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपका कोई भी आंकड़ा, आपको सवाल आपको मिल सकता है। प्रत्यक्ष विधि तो आपको क्या करना है, सबका योग करके उनकी संख्या का भाग दे देना है, और फॉर्मूला जरूर लगाइएगा क्योंकि कम से कम एक नंबर आपका उस फॉर्मूले का होगा। और चाहे प्रत्यक्ष विधि आए चाहे अप्रत्यक्ष विधि आए, फॉर्मूला लिखते हुए और जो कैलकुलेशन हो रही है, और सबसे बड़ी बात आप देखो यहां कोई गणित वाला डर भी तो नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल आसान सा फ्री का नंबर, कोई टेंशन नहीं। आप थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, और अब मैं आपको एक सवाल भी बताऊंगा, आप अपनी पाठ्य पुस्तक का ही चाहिए एक सवाल देख लें, आप देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर भी एक सवाल दिया हुआ है। मैं देखूं तो आप देखिए पेज संख्या आपकी जो है 14, यानी दूसरे ही पेज के ऊपर एक सवाल दिया हुआ है, मध्य वर्षों की गणना की गई है इंदौर के अंदर, देवास, धार, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर के अंदर बारिश के आंकड़े दिए हुए हैं, और उसके आधार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने की बात है वो की गई है। तो ध्यान रखिए, तरीका आप इजीली एक ही रखें, यहां तो टेबल बनाकर उसके अंदर ही सारा कुछ हल कर दिया है, आप सिंपल गणित की तरह ही इसको इस तरीके से कीजिए भी, सबको जोड़ कर लो फिर जितनी संख्या उनका भाग दे दो, और दूसरे में अपनी तरफ से कल्पना करनी है, और इस सवाल के अंदर जो दिया है उसके हिसाब से करके आप देख लीजिए, और कोई संख्या मानकर आप इसको मैजिक की तरह ले, आप देखिए जादू, अरे अपने हिसाब से कुछ भी मान ले, बस प्लस माइनस का ध्यान रख लेना भाई, प्लस माइनस का ध्यान रख लेना भी, अगर सारे ही प्लस में आए मान तो ठीक है, क्योंकि अगर आप बीच का कोई मान लेंगे तो कुछ मान माइनस के अंदर भी आएंगे, तो माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ लो और प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो, फिर दोनों को घटा देना, वो आपका डी आ जाएगा, और डी नहीं सिग्मा डी आ जाएगा, क्योंकि आपने उस डी का तो क्या कर दिया, योग कर दिया, तभी तो हमने यहां सिग्मा डी बटा एन लिखा। गौर करें दोनों फॉर्मूलों के अंदर, यहां पर एक्स बार ये सिग्मा एक्स बटा एन, सीधा इतना ही है। जब हम कल्पना करते हैं तो उस कल्पना वाले माध्य को पहले लिख दिया जाता है, और यहां सिग्मा एक्स है और यहां उसकी जगह क्या आ गया, फिर सिग्मा डी, डी यानी डेविएशन, विचलन, यानी उन दोनों का अंतर है, ये जो भी आप एक्स में से एक घटा रहे हो तो दोनों का जो अंतर है, विचलन जो है उसको डी कहते हैं, इसलिए यहां पर सिग्मा डी आ गया। तो बहुत ही इजी तरीके से हम इस प्रकार के सवाल हैं वो हल कर सकते हैं। अब एक स्क्रीन के ऊपर भी मैं आपको सवाल है वो दूंगा, अब आपको क्या करना है, इस दिए गए प्रश्न के हिसाब से आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से अपनी रफ कॉपी के अंदर इसका सॉल्यूशन करना है इस तरीके से, फिर उसका जो भी उत्तर आए वो उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर हल करके जरूर शेयर करेंगे अपना नाम लिखकर। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब आप क्लास के अंदर इंटरेस्टेड हो,
और ऐसा हुआ तो फिर मैं आगे के टॉपिक भी और भी आसान तरीके से करवा सकूंगा और आपको किसी प्रकार का भय भी नहीं रहेगा प्रैक्टिकल के नाम पर। तो पहले आप इस सवाल को हल करके उसका उत्तर दीजिए, उसके बाद ही मैं अगली क्लास लूंगा, वरना फिर मैं प्रैक्टिकल वाली क्लास नहीं लूंगा। और अगर आपने जवाब दिया, जितने बच्चों ने देखा उन सब ने जवाब दिया, तो फिर अगली बार हम वर्गीकृत आंकड़ों की सहायता लेंगे, ग्रुप वाले जो सवाल हैं वो लेंगे और उनके आधार पर भी हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से उनका माध्य है वो निकालेंगे। फिर हम माध्यिका को सीखेंगे, फिर हम बहुलक को सीखेंगे, फिर हम मानक विचलन निकालना सीखेंगे और फिर हम लास्ट में स्पीयरमैन की कोटि है उसका यानी सहसंबंध वाला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बस ध्यान दीजिए आपको हल करना है और बिल्कुल आसान तरीके से। जोड़ घटाओ मुझे पता है आपको आता है, बहुत बड़े हो गए, 16-17 साल के हो गए, आप अच्छे से जोड़ घटाओ तो कर ही लेते हो और इसमें जोड़ घटाओ के अलावा कुछ नहीं है। और जोड़ घटाओ की गणित थोड़ी है, ये तो जोड़ घटाओ हिसाब किताब तो अनपढ़ लोगों को भी आता है, यानी वो भी तो जो सिर्फ साक्षर होता है वो भी तो कर सकता है, काहे की गणित यार, काहे का डर इसके अंदर। तो इजी में इंजॉय कीजिएगा इस गणित की, नहीं बल्कि भूगोल वाली गणित का आनंद लीजिएगा और आपको पता चलेगा अरे ये सब कुछ बहुत आसान था, हम तो यूं ही डरते थे। क्योंकि जो कहते हैं ना वो फिल्मों में डायलॉग चलता है, जो डर गया वो मर गया, तो हम तो डरने वाले हैं नहीं, मेरा कोई भी कछुआ है वो डरने वाला नहीं है, वो तो हिम्मत और जोश से भरा हुआ है, उसके सपने बहुत बड़े हैं, अब की बार 90 पार। ईजीली बोर्ड एग्जाम के अंदर 90 मार्क्स बन जाते हैं, 90 से ज़्यादा 100 तक के मार्क्स बन जाते हैं। उसके लिए आपको कोई इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की और सिर्फ अभ्यास की, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो पहले आज का जो प्रश्न पूछा है मैंने उसका जवाब दीजिएगा, जवाब आया और क्लास के लिए आपकी मांग हुई तो फिर हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, वरना फिर अपना रूटीन काम जो चल रहा है उसको लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और साथ में हर चैप्टर का शॉर्ट वीडियो के माध्यम से रैपिड रिवीजन की क्लासेस है वो करवाई जा रही है, 15-20 मिनट की क्लास के अंदर एक चैप्टर को बोर्ड परीक्षा के लिहाज से आपको तैयार करवाया जा रहा है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको कहना चाहूँगा आप वहाँ वीडियो सुनकर पूरे चैप्टर का बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। कहते हैं ना जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रिया काम करती है उतना ही तो फ़ायदा होता है, तो वो देखी हुई चीज़ सुनी हुई चीज़ है वो लंबे टाइम तक भी याद रहेगी और बोर्ड के इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।